ऐसा है कि पाकिस्तान ने डेलिब्रेटली ये काम किया था, वो इंडिया को ह्यूमिलेट करना चाहता था ये डिसीजन लेकर के। आज लोकसभा के स्पीकर द्वारा, पूरे विधानसभा अध्यक्षों द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसकी संप्रभुता, अखंडता, एकता पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे, उसके लिए आज एक बहुत बड़ा निर्णय है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है और अधिकांश लोग वहाँ पर इस्लामाबाद में जाना भी नहीं चाहते। ऑस्ट्रेलिया ने और कनाडा ने भी, कुछ सांसदों ने, वहाँ के लोगों ने जो हमारा समर्थन किया है, उसका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। कब से कब तक मीटिंग? 30 सितंबर से, 30 सितंबर से 8 अक्टूबर को ये मीटिंग होने वाली थी। आज सर स्पीकर कह रहे हैं कि वेन्यू चेंज कर देना चाहिए, अगर सामने सर लुक की साइड कंसीडर करेंगे सर, इधर देख वेन्यू चेंज करने का मतलब है कंट्री, कंट्री को चेंज करना। और पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, उसको ये घोषित किया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से वो जानबूझकर के जम्मू कश्मीर के बातों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, पाकिस्तान को सीरियसली रहना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ये बाइकॉट, ये जो हमने किया है, ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज होगा पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को। सर ये 2007 में असेंबली, जम्मू कश्मीर असेंबली के मेंबर वहां गए थे जी, क्या आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने स्टैंड, पाकिस्तान समय समय पर अपने निर्णय बदलता रहता है, उसका कोई स्टैंड नहीं है, ये मैं पहले कह चुका हूं। दादा जी एक सवाल है कि सर इधर देख के, इधर देख लीजिए थोड़ा सा कैमरा, क्या मैं जब हुई थी कॉन्फ्रेंस, हमने भी मुजफ्फराबाद, यार तुम आगे आ जाओ भाई, देख बुलाया था कि आप एक ही बार सेटल क्यों नहीं करते, एक दूसरे की असेंबली को रेगुलराइज क्यों नहीं करते हैं। भारतीय संसद का ये पहले ही मानना है कि जो पाकिस्तान में जो कश्मीर है वो भी भारत का है, उसको हम लेकर के रहेंगे, ये निर्णय हो